नमस्ते, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम मटर पुलाव बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, वो भी घी में। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम एक कटोरी चावल लिए हैं, मटर लिए हैं और गाजर लिए हैं। अब हम चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे। अब प्याज, लाल मिर्च और तेज़पत्ता भी लिए हैं इसमें डालने के लिए। जीरा, मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग लिए हैं तड़का के लिए। अब हम कुकर में घी डालेंगे। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम घी डालते हैं। अब इसमें जीरा, मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी सब डालेंगे। तेज़पत्ता, लाल मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे और प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब इसमें हम गाजर डालेंगे और गाजर को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। अब चावल डालेंगे, चावल को भी भूनेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम मटर डालेंगे। देख लीजिए, अभी तो बना नहीं है तो इतना अच्छा लग रहा है देखकर, बनेगा तो कितना अच्छा लगेगा। देख लीजिए, आ गया ना मुंह में पानी देखकर। आप लोग भी इस तरह से एक बार बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। अब ये भुना गया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। अगर आप एक कटोरी चावल ले रहे हैं तो उसमें 2 कटोरी पानी डालिएगा, आपका मर्जी, आप कितना बना। हम तो 1 कटोरी बना रहे हैं। अब कुकर को हम बंद करेंगे। ये देखिए हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया, मटर पुलाव। एक एक चावल खिला खिला है, देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है देखकर। ये जितना अच्छा लग रहा है देखने में उतना अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप लोग भी इस तरह से ज़रूर बनाइए। पुलाव तो आप लोग बहुत बार बनाए होंगे लेकिन इस तरह का पुलाव नहीं बनाए होंगे। ये सभी बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आता है। एक बार आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे कहने पर बनाइए और मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ज़रूर करिए।